भैया थोड़े पीछे हो। क्या घटना हुई बताइए तुम्हारे बच्चे? मेरे साथ ये हुई थी कि मेरे घर पे एसओजी वाले आए थे, मेरे बच्चों को ले गए उठाते। उसके बाद में उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ ले जा रहे हैं, हमसे कह के गए कि हम चौकी तक ले जा रहे हैं। चौकी में गई, ये मिला नहीं। मैंने फिर गौरव पुलिस जितने भी थाने चौकी है मैंने सब में पता करी, कुछ नहीं पता चला। फिर रात को 8:30 बजे पौने 9 बजे उनने थाने इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनने फ़ोन करा कि आप कुआरसी जाओ, कुआरसी मिलेगा तुम्हारा बच्चा। जब मैं कुआरसी गई हूँ तब माया गया, माँ पे भी नहीं मिलने दे रही मुझे, कहते कि यहाँ नहीं है। फिर इसका चप्पल मैंने पहचानी है, चप्पल पहचानने के बाद में फिर इसने सारा करा अंदर से। जब मैंने इनसे बात करी है, क्या आरोप, किस क्या आरोप लगा रहे थे, किस आरोप में लेके क्या बताया? उन्होंने तो मुझे आरोप तो कोई बताया ही नहीं है, अभी तक कुछ नहीं बताया। 20 घंटे रखा है, मारा पीटा का रात बात मार रहे हैं। अब कहाँ आए हो आप लोग? क्या से किस तरह शिकायत करने आए? क्या हम इसीलिए शिकायत करने आए कि हमारे बच्चे का क्या कसूर था? ये कसूर मेरा बच्चा पूरा दिमाग की संतुलन भी है और इसकी दवा भी चल रही है, इसकी कोई वो है, कोई घटना आई या क्या आई, इस पर क्या आरोप था, क्यों ले गए और 20 घंटे क्यों रखा बच्चे? कैसे छोड़ा फिर? फिर उन्होंने सुबह 10:30 बजे छोड़ा है बच्चे, जब मैं गई हूँ। क्या क्या लिखावड़ी कराई थी? वो दस्तखत कराए थे रजिस्टर में उन्होंने, मेरे पे भी, लड़का पे भी, और मोबाइल नंबर भी लिखा है। घटना का अलीगढ़ में क्या मानते हैं पुलिस, पुल का बर्बाद स्थापित कराई, क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर सारे मसले मुख्यमंत्री जी को ही सॉल्व करने पड़ेंगे, हर जिले में मुख्यमंत्री जी को स्वयं बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो ये चाहती है कि दबाव बनाना। आप देखिए 2 बजे से लेकर 10 बजे तक इस पीड़ित परिवार को अपने बेटे का पता नहीं लगा, ये सब जगह घूमते रहे, ढूंढते रहे बेटे को, और उसके बाद में दबा भी नहीं देने दी, मारा पीटा, अगले दिन 10 बजे छोड़ा। उसके बाद पीड़ित परिवार ने जब मीडिया को सूचना दी, मीडिया चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, तो पीड़ित परिवार के यहाँ सारे पुलिसकर्मी पहुँचे, खुद 3 स्टार के अधिकारी पहुँचे हैं, और उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को हम जेल में फंसा देंगे, पूरी जान से मार देंगे, और आपने अगर मीडिया में शिकायत की, किसी नेता से शिकायत की, तो क्या अधिकारी वास्तव में यहाँ निरंकुश हो रहे हैं? क्या अधिकारी अपने जो अधीनस्थ उनको बचाना चाहते हैं? SP सिटी महोदय से मैंने बात की थी, उन्होंने मुझे 6 बजे का समय दिया कि पीड़ित परिवार को लेकर आप यहाँ आ जाइए, लेकिन उन्होंने कहने के बाद इनके घर पर इतना दबाव पड़वाया है, ऐसा लग रहा है वास्तव में ये अंग्रेजों का शासनकाल है। और अगर सारे मसले मुख्यमंत्री सुनाएंगे तो ठीक है, ये परिवार मिलेगा मुख्यमंत्री से, हम लोग भी मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। आप भाजपा नेता क्या मानते हैं कि भाजपा सरकार में कहीं कहीं पुलिस निरंकुश हो रही है, क्या मानते हैं? देखिए पहली बात तो पुलिस किसी सरकार की नहीं होती, चंद पुलिसकर्मी जिनको इस सरकार में मलाई मारने का मौका नहीं मिल रहा है, जो नहीं चाहते कि ये सरकार रहे, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय योगी सरकार रहे, वो लगातार चुनावी वर्ष, चूँकि चुनावी वर्ष है, चुनाव में बहुत थोड़ा समय है, वो लगातार चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे बुलंदशहर पुलिस द्वारा कल ताला नगरी के व्यवसाय को अपहरण कर ले जाने की घटना हो, चाहे गुलर रोड निवासी प्रशांत कुमार को अवैध हिरासत में लेकर टॉर्चर करने की घटना हो, ऐसी घटनाएँ सरकार को बदनाम करने का पूर्ण प्रयास है, और हम ऐसे किसी प्रयास को कामयाब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुत ही सख्त सरकार है, मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे क्या इस पीड़ित परिवार को पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से इस प्रकरण में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और जिन अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को बचाने का काम किया है, जैसे गोरखपुर में DM SSP ने पीड़ित को धमकाने का काम किया था, ऐसे ही यहाँ के उच्चाधिकारियों ने पीड़ित को धमकाने का जो काम किया है, इसकी सब शिकायत इन्होंने तहरीर बना कर दी है, और तहरीर SPC लेने के लिए मौजूद नहीं है, उन्होंने जब भी बुलाया था तो मैं SPC कार्यालय में तहरीर देकर जा रहे हैं, और ये परिवार ये मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा, और मुख्यमंत्री से मिलेगा, पूरे प्रदर्शन मुख्यमंत्री को अवगत कराएगा, और यहाँ के अधिकारियों की जो अंग्रेजों को वाली जो मानसिकता है, उनके अधिकारियों की जो तानाशाही है, उसके विषय में भी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे।